हेलो गाइस गाइस, अगर हम आपको कोई भी डेटा को कॉपी करने के लिए बोलें तो आप कैसे करेंगे? यहाँ पर एक मैंने डेटा शीट क्रिएट की है, एक नेम लिस्ट है एंड एक मैंने यहाँ पे वर्ड पे भी एक डेटा सेलेक्ट किया है। यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं, सीरियल नंबर्स। अगर हम आपको बोलें सिंपली ये नेम लिस्ट में आप फर्स्ट वाले नेम को कॉपी कीजिए, तो आप सिंपली क्या करेंगे? कंट्रोल सी एंड यहाँ पर आपको पेस्ट करना है, तो आप कंट्रोल वी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, कॉपी पेस्ट हो गया। अब मैं बोलूँ आप दूसरा नेम आपको इसे करना है जो फिफ्थ नंबर पर है, तो आप सिंपली कॉपी करेंगे और इसे यहाँ पर पेस्ट करेंगे। सिंपली इसे कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर पेस्ट करेंगे। जितनी बार मैं नेम बोलूँगा आप इसे सिंपली कॉपी करते जाएंगे एंड यहाँ पर पेस्ट करते जाएंगे। एंड अगर आप वर्ड की फाइल की बात करें कि आज ये एक सीरियल नंबर है, आपको इसे भी कॉपी करना है, तो आप इसे भी सिंपली कॉपी करेंगे और यहाँ पर शीट पर आकर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। बट अगर हम आपसे बोलें कि आपने जो फर्स्ट नेम है इसे दोबारा से कॉपी कीजिए, तो आप क्या करेंगे? आप सेम प्रोसेस को दोबारा रिपीट करेंगे, मतलब आप सिंपली इसे कॉपी करेंगे और फिर से यहाँ पर पेस्ट करेंगे। फिर से आप इसे कॉपी करेंगे, यहाँ पे आप पहले सर्च करेंगे। ये तो एक छोटी सी लिस्ट है, अगर आपकी लिस्ट बहुत ज़्यादा लेंथी हुई तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। इस सेम चीज़ को आप यहाँ पर इस नाम को, तो आप सिंपली यहाँ से भी कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। बट यहाँ पे अगर लिस्ट बहुत बड़ी है तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा अप डाउन करने में। तो आप सिंपली इसे कैसे कर सकते हैं, इस कॉपी पेस्ट शॉर्टकट को कैसे इजी बनाया जा सकता है? अगर आपके पास वर्ड की फाइल, एक्सेल की फाइल दोनों फाइल्स हैं तो कैसे करना है? तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कॉपी पेस्ट का एक ऐसा शॉर्टकट जो शायद आपने यूज़ ना ही किया हो। सो गाइस, आप सभी का स्वागत करते हैं पहले तो हमारे ही यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम आपके लिए अपडेटेड एक्सेल वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, सिंपली एक विंडो फीचर्स का यूज़ करना है। कैसे? यहाँ पर सपोज़ कीजिए आपकी एक एक्सेल शीट है, एक वर्ड शीट है। यहाँ पर आप ऊपर की साइड अगर देखेंगे तो यहाँ पे आप सपोज़ कीजिए कोई भी नाम को आप कॉपी करते हैं एंड उसे पेस्ट कर देते हैं, फिर आप अगेन कॉपी करेंगे, फिर अगेन पेस्ट करेंगे। तो क्या है ना, विंडो ने एक फीचर्स है, विंडो फीचर्स, तो ये क्या करता है, 24 आपके हिस्ट्री के जो कॉपी किए हुए हिस्ट्री है वो 24 नेम्स या टैग्स या सेंटेंस को रिकॉर्ड कर लेता है अपने सिस्टम में। ये विंडो का फीचर है, ना ही ये एक्सेल का फीचर है और ना ही ये वर्ड का फीचर है, ये एक विंडो फीचर है। ऊपर की साइड आप देख सकते हैं वर्ड में या एक्सेल में, कॉर्नर पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्लिपबोर्ड का, आप सिंपली इसे ओपन करेंगे यहाँ पर क्लिक करके। एंड यहाँ पे इसे मैं अभी क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पे इसे भी मैं क्या करता हूँ, अभी क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर आपको कॉपी करना है, अगर आप पेस्ट कर रहे हैं तो पेस्ट कर दीजिए। नेक्स्ट नेम को कॉपी करना है, यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिए। एंड आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हिस्ट्री क्या हो रही है, आपकी सेव हो रही है। यहाँ पर आप कॉपी कर रहे हैं, यहाँ पर आप पेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर आप कॉपी कर रहे हैं, यहाँ पर आप पेस्ट कर रहे हैं। अब ये जो नेम है, ये जो हिस्ट्री है, ये आपको वर्ड पे भी शो होगी। देखिए मैं क्लिपबोर्ड को ओपन करता हूँ, देखिए यहाँ पर। तो अगर आप सिंपली यहाँ पर पेस्ट करना चाहें तो यहाँ पर सिंपली क्लिक करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। आप इसे जितनी बार भी चाहें उसे रिपीट कर सकते हैं। इसी तरह वर्ड में आप अगर इस पर से भी कॉपी करेंगे तो आपका वो एक्सेल पे शो करेगा, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ ना ये एक्सेल का फीचर है और ना ही वर्ड का, ये एक विंडो का फीचर है जिसका नाम है क्लिपबोर्ड। तो सिंपली गाइस, इस क्लिपबोर्ड की मदद से आप अपने वर्क को बहुत ही ज़्यादा स्मार्टली और स्मूथली कर सकते हैं और विदाउट कम से कम समय में। तो गाइस, कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर आपको ये नहीं पता था और आज इस वीडियो के पता चला है इस वीडियो के माध्यम से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जितना हो सके शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की वीडियोस के लिए।